नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं परवीन पठान, आपके सामने क्राइम 7 न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए शुरू करते हैं आज की खबर। सूरत शहर में बदमाशों और असामाजिक तत्वों का आतंक दिन ब दिन तेज रफ्तार पकड़ रहा है। इन बदमाशों के आतंक के चलते सूरत शहर के लिम्बायत इलाके में फिर एक किस्सा सामने आया है। मिली हुई जानकारी के मुताबिक सूरत के लिम्बायत गोडादरा इलाके में स्थित वृंदावन सोसाइटी में रहने वाले किशोर भाई लल्लू भाई पटेल, जो छोटा मोटा मजदूरी काम करके अपने परिवार का गुजारा करते हैं। किशोर भाई का लड़का निकी, जिसका उसके मोहल्ले में रहने वाले कारण शेट्टी, रोहित, शैलेश उर्फ लालू कालिया और चेतन नाम के चार युवकों के साथ कुछ दिन पहले किसी बात पर ही झगड़ा हुआ, जिसकी रंजिश रखकर चारों लोगों ने आपस में षड्यंत्र रचकर निकित पर जानलेवा हमला करने का मंसूबा बनाया और चप्पू छुरी जैसे धारदार और तीक्ष्ण हथियार लेकर निकित पर जानलेवा हमला करने के इरादे से निकित के घर पर गए। घर के बाहर निकित के जीजाजी घर के बाहर बैठे थे, तभी चारों बदमाशों ने निकित के जीजाजी किशोर भाई छगन भाई के साथ मामूली बात पर उलझकर किशोर भाई पर घातक हथियारों से वार किया और उनको जान से मार देने की कोशिश भी की। हमले में किशोर भाई लहूलुहान होकर बुरी तरह से जख्मी हुए। घटना के चलते स्थानीय लोगों की भीड़ घटना की जगह पर जमा हुई, जिससे अपराधी अपनी अपनी बाइक पर सवार होकर वहां से फरार हो गए। घटना की खबर पुलिस को मिलते ही पुलिस का काफला घटना की जगह पर आ गया और किशोर भाई को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया और आगे की जांच लिम्बायत पुलिस ने शुरू की। कैमरामैन सादिक पठान के साथ संवाददाता परवीन पठान, क्राइम 7 न्यूज़, सूरत।